Hi guys, so today we are going to do the question design browser history. So you are given a browser in one tab where you start on the home page and you can visit another URL, get back in the history number of steps or move forward in the history number of steps. तो मतलब हम पीछे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं एंड कुछ विजिट कर सकते हैं. एंड फिर हमारा क्वेश्चन हो गया इम्प्लीमेंट द ब्राउजर स्टैक हिस्ट्री. सो वी आर गिवन दीज फॉलोइंग फंक्शंस, ब्राउजर हिस्ट्री, विजिट, बैक एंड फॉरवर्ड. तो इसकी फंक्शनैलिटी एक बार पढ़ लेते हैं. ब्राउजर हिस्ट्री क्या है? हमारा एक बेसिकली कंस्ट्रक्टर है अपने क्लास का. तो इनिशियलाइज करता है, इनिशियलाइजेस द ऑब्जेक्ट विद द होम पेज ऑफ द ब्राउजर. देन विजिट क्या करता है? एक स्ट्रिंग यू आर एल उसका पैरामीटर है. विजिट्स द यू आर एल फ्रॉम द करंट पेज, इट क्लियर्स अप ऑल द फॉरवर्ड हिस्ट्री. तो मतलब क्या होता है कि अगर मैंने अभी कुछ प्रेजेंटली विजिट किया तो आगे की सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी. फिर उसके बाद क्या होता है, स्ट्रिंग बैक इन स्टेप्स. तो इसमें क्या दे रखा है, इनपुट पैरामीटर स्टेप्स दे रखे हैं एंड फंक्शन का नाम बैक है. इसमें क्या करना है, मूव स्टेप्स बैक इन द हिस्ट्री इफ यू कैन ओनली रिटर्न एक्स स्टेप्स इन द हिस्ट्री एंड स्टेप इज ग्रेटर देन एक्स, यू विल रिटर्न ओनली एक्स स्टेप्स. तो इसका क्या मतलब है, एट मोस्ट एक्स स्टेप्स तुम पीछे जा सकते हो. मतलब अगर मैंने चार पेजेस खोल लिए, सपोज अभी हम एग्जाम्पल आगे जाके देखेंगे, तो रिटर्न द करेंट यू आर एल आफ्टर मूविंग बैक इन द हिस्ट्री एट मोस्ट स्टेप्स. तो अब फॉरवर्ड का क्या फंक्शन है, उसमें भी हमें स्टेप्स दे रखे हैं. तो मूव द मूव स्टेप्स फॉरवर्ड इन हिस्ट्री इफ यू कैन ओनली फॉरवर्ड एक्स स्टेप्स इन द हिस्ट्री एंड स्टेप इज ग्रेटर देन एक्स, यू विल मूव ओनली एक्स स्टेप्स. रिटर्न द करंट यू आर एल आफ्टर फॉरवर्डिंग इन हिस्ट्री एट मोस्ट स्टेप्स. तो मतलब हमने पीछे 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 गए एंड देन हमें फिर से फॉरवर्ड जाना है. तो हमें वो बताना है कि अगर हमने चार या पांच बार या एक स्टेप्स हमने आगे किए तो हम कौन से वाले यू आर एल पे लैंड करेंगे. तो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, इनिशियली इसने ब्राउजर हिस्ट्री में दिया leetcode.com. फिर उसके बाद हमने क्या विजिट किया, गूगल किया. फिर उसके बाद विजिट किया फेसबुक. उसके बाद विजिट किया यूट्यूब. उसके बाद क्या बोल रहा है, बैक हम क्या कर रहे हैं, उसमें पैरामीटर भेज रहे हैं एक. तो मतलब हम बैक करना है, अभी हम प्रेजेंटली यूट्यूब पे, हमें एक बार बैक करना है. तो क्योंकि यूट्यूब से पहले हमने फेसबुक किया था तो अपना आंसर इधर आएगा फेसबुक. सही है, एक बार बैक किया हमने. तो उसके बाद अब हम क्या किया, अब हमने बैक फिर से किया कितने स्टेप्स, एक बार. ठीक है, तो अब हम फेसबुक पे थे, फेसबुक पे आए. तो फेसबुक से पहले क्या किया था हमने, गूगल. सही है, तो हमारा आंसर आ गया गूगल. तो अभी हम प्रेजेंटली गूगल पे हैं. फिर उसके बाद मैंने फॉरवर्ड किया, मतलब मेरे को एक आगे जाना है. सही है, तो अब क्या होगा, क्योंकि हम गूगल से पहले फेसबुक ट्रैवर्स करके आए थे तो हमारा आंसर आएगा फेसबुक, और हमें एक ही बार फॉरवर्ड करना था तो फेसबुक आएगा. फिर उसके बाद हमने क्या विजिट किया, लिंक्डइन किया. तो अब हम फेसबुक के बाद लिंक्डइन पे गए. ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमने फॉरवर्ड किया. अब क्योंकि जैसे अब इसने कहा था, फॉरवर्ड में जब हम क्या करेंगे, नहीं जब हम विजिट करेंगे तो क्या करेगा, इट क्लियर्स अप द फॉरवर्ड हिस्ट्री. ठीक है, तो मतलब इसके बाद तुम कहीं नहीं गए, क्योंकि लिंक्डइन अभी वाला प्रेजेंटली नया पेज तुमने किया है विजिट, तो इसके बाद तुम ऑब्वियसली कहीं गए नहीं हो. तो इसीलिए जब हमने इसके बाद विजिट लिंक्डइन के बाद हमने फॉरवर्ड चलाया तो क्या आया हमारे पास आंसर, लिंक्डइन ही आया, क्योंकि इसके आगे हम नहीं जा सकते, तो लिंक्डइन हमारा आंसर आया. फिर उसके बाद हमने किया बैक, बैक किया हमने. तो लिंक्डइन से पहले हमने क्या विजिट किया था ये बताना है. तो अब हमें क्या करना है, बैक जाना है दो बार. ठीक है, तो अभी हम लिंक्डइन पे थे. सही है, लिंक्डइन से पहले हमने क्या चेकआउट किया था, फेसबुक. और उससे पहले हमने किया था, एक सेकेंड एक सेकेंड. हाँ, सो बेसिकली क्या था कि लिंक्डइन पे थे, एक बार बैक दबाया तो फेसबुक, दूसरी बार दबाया तो गूगल. तो हमारे पास आंसर क्या आया, गूगल डॉट कॉम. उसके बाद अब हमारे पास क्या है, बैक गए हम कितनी बार, दो बार बैक, 7 बार बैक गए इधर हम. ठीक है, तो ये 7 बार हम बैक गए. तो अब क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास
इफ यू कैन ओनली रिटर्न एक्स स्टेप्स इन द हिस्ट्री एंड स्टेप्स आर ग्रेटर देन एक्स, यू विल ओनली रिटर्न एक्स टाइम्स। मतलब कि अगर हमारे को ये स्टेप्स की वैल्यू ग्रेटर दी हुई है देन द वैल्यू एक्स, एक्स है मतलब हम मैक्सिमम मैक्सिमम कितना पीछे जा सकते हैं। तो देखो क्योंकि हम अभी ऑलरेडी किधर है, हम गूगल पे हैं, गूगल के बाद हम 7 स्टेप्स पीछे ले ही नहीं सकते, तो हम उतने ही लेंगे जितने हम ले सकते हैं। तो अब क्या था, गूगल से पहले हमने क्या किया था, फेसबुक किया था, तो उसके पहले क्या था, लीट कोड था जो सबसे इनिशियल था, तो हम मैक्सिमम 2 स्टेप ले सकते हैं, तो हमने क्या रिप्लाई किया, लीट कोड। तो इसी तरह से हमें ये क्वेश्चन समझना था। अब समझने के बाद हम इम्प्लीमेंट कैसे करें इसे, तो यार इम्प्लीमेंट तो मतलब क्योंकि एक तो हमें जनरल आइडिया है भी कि लाइक जो अपना ब्राउजर की हिस्ट्री होती है वो किस डेटा स्ट्रक्चर में होती है, जनरली स्टैक की बात करते हैं हम अगर हम सोचे तो यहाँ भी हम स्टैक्स का यूज करने वाले हैं, एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं कह रही हूँ कि हम 2 स्टैक्स बना के रखेंगे, एक तो जो हम विजिट कर रहे हैं और एक देखते हैं क्या करेंगे पहले। तो देखो सबसे पहले मैं बोल रही हूँ कि जो हम करंटली आए हैं, तो सबसे पहले क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने हमारा इनिशियलाइज किया लीट कोड, तो हमने इसमें लीट कोड के लिए एलई डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, विजिट किया गूगल, तो हमने ये गूगल डाल दिया, जी लिख दिया हमने गूगल के लिए। फिर उसके बाद हमने क्या विजिट किया, फेसबुक, तो डाल देते हैं फेसबुक विजिट किया। फिर उसके बाद हम क्या विजिट कर रहे हैं, यूट्यूब, तो हमने यूट्यूब विजिट कर लिया, ये अपना स्टैक में डाले जा रहे हैं, प्रेजेंट वाला स्टैक, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करें, बैक वाला, तो अब जो दूसरी स्टैक होगी वो मैं उसके लिए स्टोर करूंगी कि हम प्रीवियसली क्या विजिट कर चुके हैं। तो मैं क्या करूंगी, अब क्योंकि हमने बैक किया एक बार, बैक किया हमने एक बार, तो सबसे ऊपर क्या था, यूट्यूब, तो हमने इससे पॉप कर दिया एंड अपने सेकेंड वाले स्टैक में डाल दिया, सही है। तो इधर आ गया यूट्यूब। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर से बैक किया, तो बैक अब हम ऑलरेडी फेसबुक पे हैं, तो एक बार हम बैक करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर हम फेसबुक डाल देंगे और इधर से हम पॉप आउट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा प्रेजेंट पेज क्या आ जाएगा, गूगल, जो कि हमारा आंसर भी है। तो फिर अब हमने एक बार बैक कर दिया, दो बार बैक कर दिया, एक बार एक बार। फिर उसके बाद अब मैं क्या कह रही हूँ, फॉरवर्ड करना है। अब फॉरवर्ड की वैल्यू कहाँ से लाया, देखो फॉरवर्ड का आंसर क्या है हमारे पास, फेसबुक, तो फॉरवर्ड कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, क्योंकि हमने बेसिकली क्या होता है, फॉरवर्ड मतलब जो हम इससे पिछला वाला पेज विजिट करके आए हैं, तो गूगल से पहले हमने क्या विजिट किया था, फेसबुक, और वो हमने कहाँ स्टोर किया है, इस वाले स्टैक में, ठीक है। तो इधर से पॉप आउट कर दो, इधर से हटा दो और इसमें डाल दो, तो हमने इधर डाल दिया, तो इधर से हटा दिया हमने, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया फेसबुक। फिर उसके बाद क्या आएगा, फॉरवर्ड किया, अब हमने क्या विजिट किया, लिंक्डइन, और विजिट हमने फॉरवर्ड सिर्फ एक बार किया था, सही है। लिंक्डइन अब हमने विजिट किया, तो हम करंट वाले में लिंक्डइन डाल देते हैं, लिंक्डइन। फिर उसके बाद क्या हुआ, विजिट किया हमने, अब मैंने को क्या बोला जा रहा है कि फॉरवर्ड करना है मुझे कितनी बार, 2 बार। बट देखो जब विजिट किया तो इसमें बोला जा रहा है कि इट क्लियर्स अप ऑल फॉरवर्ड हिस्ट्री, तो जब मैं विजिट करूंगी ना, जब मैंने लिंक्डइन विजिट किया तो मैं ये वाला स्टैक एम्प्टी कर दूंगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमें कि जो फॉरवर्ड स्टैक है, इस वाले स्टैक का हम नाम फॉरवर्ड स्टैक रख सकते हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्टैक हो गया अपना, तो हमने इसे एम्प्टी कर दिया था। तो अब क्या बोल रहा है कि विजिट करने के बाद 2 बार फॉरवर्ड करो, तो कुछ है ही नहीं क्योंकि हमारे फॉरवर्ड स्टैक में खाली है अभी, तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है, लिंक्डइन ही आएगा, क्योंकि हम प्रेजेंटली हैं, तो चाहे हम कितनी बार भी आगे, जैसे अब मैंने इधर से आगे करने की कोशिश करूँ तो वो नहीं होगा, तो हम लिंक्डइन पे ही रहेंगे। तो उस केस में आंसर क्या देना है, अगर हमारा फॉरवर्ड स्टैक एम्प्टी हुआ तो ये जो अपना ये प्रेजेंट वाला स्टैक है उसका टॉप आंसर रिटर्न करना है कि हम लिंक्डइन पे हैं। उसके बाद क्या हुआ, फॉरवर्ड कर दिया, अब हमें कितनी बार बैक करना है, 2 बार बैक करना है, तो बैक मतलब हमें इस वाले स्टैक से पॉप करना है और कहाँ डाल देना है, इधर। तो यहाँ से ये पॉप किया तो ये लिंक्डइन आ गया, और यहाँ से फेसबुक पॉप किया तो यहाँ फेसबुक आ गया, ठीक है। तो इधर से हटा देते हैं हम ये दोनों एंट्रीज।
उसके बाद अब हमने बैक किया कितनी बार, 7 बार। तो अब मैं बैक करूंगी, अब मैं मेरी देखो इस पॉइंट पे ये जो स्टैक है अपना 7 है ही नहीं इसमें एंट्रीज, तो इसमें क्या बोला गया है कि एट मोस्ट जितनी एंट्रीज हैं उतना हमें पॉप करना है। तो मैं क्या करूंगी इसे पॉप कर दूंगी गूगल, एंड देन मतलब हम लीड कोड को पॉप नहीं कर सकते। जैसे अब मैं मैक्सिमम पीछे कितना जा सकती हूँ, एटलीस्ट प्रेजेंट वाला हमारा रहेगा पेज तो गूगल तो पॉप हो जाएगा, बट हम लीड कोड वाला पेज को पॉप नहीं करेंगे, इसको हम आंसर दे देंगे। ठीक है, तो जो कि हम देख भी सकते हैं इधर आंसर फाइनली लीड कोड डॉट कॉम आया। तो एग्जैक्टली यही हमें प्रोसीजर अपने कोड में लिखना है, तो एक बार देखते हैं कोड कैसा होगा। सो अब हम क्या करेंगे, दो स्टैक्स बनाने हैं, उसमें किस टाइप का होगा डेटा, स्ट्रिंग टाइप का, एंड एक का नाम दे देते हैं बैक स्टैक, एंड एक हो गया अपना फॉरवर्ड वाला। ठीक है, तो अब देखते हैं अब क्या है। इनिशियली हमने बैक स्टैक में कंस्ट्रक्टर में जो हमारा होम पेज ये दे रखा है वो हम पुश कर देते हैं होम पेज, इसमें कंस्ट्रक्टर में सिर्फ इतना ही करना है। और विजिट में क्या करना था, क्योंकि विजिट में हमारे को बोल रखा है कि जब हम विजिट करेंगे तो इट क्लियर्स अप ऑल द फॉरवर्ड स्टैक, तो हम इसमें क्या करेंगे क्लियर कर देंगे मतलब सारी जो एंट्रीज है फॉरवर्ड स्टैक में, वाइल फॉरवर्ड स्टैक डॉट एम्प्टी नॉट एम्प्टी, मतलब कि एम्प्टी नहीं है तब तक हम ये पॉप करते रहेंगे सारे एलिमेंट्स, तो ऐसे पॉप हो जाएंगे। फिर उसके बाद बैक स्टैक में जो कि हमारी ये वाली थी, ये वाली इसमें हम एंट्रीज ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, बैक स्टैक डॉट पुश किया URL। ठीक है, इसमें वर्ड टाइप है तो हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अब हमारा क्या है, बैक कर रहे हैं हम, कितने स्टेप से बैक करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे वाइल, अब देखो जैसे हमने लास्ट वाला एग्जांपल देखा है ना, जब हमें 7 स्टेप्स पीछे करने थे तो उस केस में क्या था कि एटलीस्ट एक पेज तो होना ही चाहिए हमारी बैक वाली स्टैक में, बैक स्टैक वाली जो हमने स्टैक ली है उसमें एटलीस्ट एक पेज होना चाहिए। सही है, तो उसमें अब इस चीज के लिए हम क्या लिखेंगे, बैक स्टैक डॉट साइज == 1 एंड स्टेप्स -। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है कि या तो स्टेप्स कम हो, जैसे जैसे 4 एंट्रीज हो और हमें सिर्फ एक बार बैक करना हो, तो उस केस में तो क्या हो जाएगा कि स्टेप माइनस माइनस वाला फॉल्स हो जाएगा, तो हमारी वाइल कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। तो इस केस में क्या करना था, जो भी टॉप ऑफ द स्टैक है उसे पॉप करके फॉरवर्ड वाली स्टैक में एंटर करना है वैल्यू, राइट। तो अब क्या करेंगे, फॉरवर्ड डॉट पुश करेंगे बैक स्टैक का टॉप, राइट, एंड बैक स्टैक डॉट पॉप कर देंगे, मतलब सबसे ऊपर वाला एलिमेंट निकाल दिया। एंड उसके बाद हम एंट्री लाइक क्या करेंगे, रिटर्न बैक स्टैक मतलब जो सबसे ऊपर है ना जो अपना एलिमेंट, उसे रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ टॉप जो कि एक स्ट्रिंग होगा वो रिटर्न कर देंगे। फॉरवर्ड में क्या करना था कि मतलब इतने एलिमेंट्स फॉरवर्ड करने हैं, तो कितने एलिमेंट्स कर सकते हैं जब तक या तो स्टेप्स बचे या फिर ये वाला सब एम्प्टी ना हो जाए। तो इस केस में क्या करेंगे हम, तो वाइल फॉरवर्ड डॉट एम्प्टी जब तक ये एम्प्टी नहीं है, या फिर एंड स्टेप्स माइनस माइनस। ठीक है, स्टेप्स अपना पैरामीटर दे रखा है, तो इस केस में क्या करेंगे, बैक स्टैक अब हम पुश कर रहे हैं, बैक स्टैक डॉट पुश क्या करेंगे, पुश फॉरवर्ड डॉट टॉप और फॉरवर्ड में से पॉप कर देंगे। सही है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे रिटर्न, अब हमेशा हमें बैक स्टैक वाले का टॉप रिटर्न करना है कि मतलब हम एंड में कहाँ लैंड करेंगे, तो वो चीज़ इधर से पता चलेगी, तो बैक स्टैक डॉट टॉप, तो ये अपना रिटर्न रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा इधर हमें। ठीक है, तो एक बार ये रन करके देखते हैं अपना कोड। कुछ दिक्कत आ गई है, एक बार देखने दो। तो हम लोगों ने क्या किया था, इसे ==1 कर दिया था, इसमें हमें बेसिकली इस ग्रेटर देन वन मतलब हमेशा एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए हमारे स्टैक में, तो ग्रेटर देन वन कर देंगे एंड देन रन करेंगे तो बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं क्वेश्चन।
अपना आंसर सही आ रहा है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एंड काफी आसान क्वेश्चन था। अगर थोड़ा लाइक पेन पेपर पे ट्राई करके देखते हैं, तो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। बाय बाय।